हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो नोसेट में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है, उनकी ओर से, एम्स दिल्ली की ओर से आज ऑफर लेटर हैं, वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सेंड किए जा रहे हैं। सो अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि ये ऑफर लेटर के बारे में, जो कि एम्स दिल्ली ने जो ऑप्शन फर्स्ट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको सेंड किए गए हैं। तो इसमें देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली। इसकी डेट है 14 अप्रैल 2021, जो कि 15 अप्रैल को ये सेंड किए गए हैं ईमेल पर। सब्जेक्ट इसका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट द एम्स न्यू दिल्ली, जैसा कि इसमें दे रखा है, ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर है ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए एम्स न्यू दिल्ली का। फर्दर इसमें देखिए, विद द रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 8/9/21, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स 9/21 to 18/21 इन द एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, मिस्टर एंड मिसेज इज द इन्फॉर्म दैट बेस्ड ऑन हिज और हर स्कोर ऑन सीबीटी एग्जामिनेशन एट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हिज अंडरस्टैंड हैज बीन प्लीज टू बी ऑफर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर अगेंस्ट अनरिजर्व इन द लेवल 7 पे मैट्रिक्स। इसमें इसका आगे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नेक्स्ट इसमें ये भी दे रखा है कि एम्प्लॉय ऑफ सिमिलर कैटेगरी स्टेशन एट दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड सेंटर फैसिलिटेट प्रेजेंटली लोकेटेड एट बल्लभगढ़ हरियाणा एंड नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर गाजियाबाद, NCI भाड़सा, झज्जर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू, किसके अधीन होगी ये अपॉइंटमेंट, द प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट। फॉर दिस ही और शी शैल कॉन्टेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज OPD सर्विस, राजकुमारी अमृत कौर, OPD एम्स न्यू दिल्ली, बिटवीन 8 AM to 8:30 AM ऑन एनी वर्किंग डेज फॉर हिज और हर मेडिकल एग्जामिनेशन, अलोंग विद हिज और हर रिसेंट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स शोविंग हिज और हर नेम इन कैपिटल लेटर्स। नेम इन शुड बी इन कैपिटल लेटर्स एंड द डेट ऑफ फोटो शुड बी ऑल्सो मैंशनड। इसमें यही दे रखा है कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग से पहले बनवाना पड़ेगा, जो कि राजकुमारी अमृत कौर जो OPD है एम्स न्यू दिल्ली की, वहाँ आपको जो टाइम दे रखा है उस पर आपको रिपोर्ट करना होगा और वहीं पर ही आपको बनेगा। इसके साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेके जानी है, जिस पर आपका नेम इन कैपिटल लेटर्स और डेट ऑफ फोटो भी मेंशन होना चाहिए। सेकेंड है, प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो लेके जाने हैं। इसमें ये दे रखा है कौन कौन से ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम INCI स्टेट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। नंबर बी दे रखा है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कैंडिडेट अप्लाई अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, इसमें SC ST OBC के रिगार्डिंग इसमें दे रखा है। और इसमें ये भी दे रखा है कि वैलिड NCL OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बिटवीन द पीरियड ऑफ 1/4/20 to 31 मार्च 2021 विल बी कंसिडर्ड वैलिड। कैंडिडेट हु हैव NCL OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड, इसमें दे रखा है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच का होना चाहिए, इसके अलावा होता है तो वो कंसिडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड यदि इसके अलावा होता है तो। और इसमें नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट अंडर EWS कैटेगरी का, इसमें EWS कैटेगरी के रिगार्डिंग दे रखा है, देयर फॉर EWS कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट दे हैव ए वैलिड EWS सर्टिफिकेट इशूड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 18 अगस्त 2020, इसके बीच का होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलाइविंग ऑर्डर विद एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। ये सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट एंड 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गजेटेड ऑफिसर इन द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ
स्टिपेंडियरली मैजिस्ट्रेट, स्टिपेंडियरली मैजिस्ट्रेट। इसमें सरकार केंद्र या राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जो दो करेक्टर सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको लेकर जाना है। सबमिशन ऑफ द अटेस्टेशन फॉर द डुप्लीकेट डेली कंप्लीशन इन द ऑल रेस्पेक्ट, इसमें जो भी दे रखा है वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। नेक्स्ट थर्म, अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर एज मेंशन बिलो। फर्स्ट में दे रखा है ही और सी शैल बी एन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड में रहेगा इसके अंदर, यही दे रखा है। नेक्स्ट सेकेंड में दे रखा है द अपॉइंटमेंट मे बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाई गिविंग ए मंथ्स नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए प्रोबेशन बाई एम्प्लॉय विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, इसमें अंदर ये इसमें फोर दे रखा है। नेक्स्ट फोर में देखिए, इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाई द अपॉइंटमेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स, आगे हाँ कोई भी अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। नंबर फाइव में दे रखा है ही और सी विल बी गवर्न बाई द न्यू पेंशन स्कीम, बिल्कुल। नंबर सेवन में देखा है ही एंड सी शुड बी नोट दैट ही एंड सी हैव टू कन्फर्म द रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन। नंबर एट है ही द हेड ऑफ ऑफिस हैज फुल डिस्कस। नंबर नाइन ट्रांसफरेबल हो सकता है अदर सेंटर जैसे फैसिलिटीज जैसे कि इसमें दे रखे हैं, मतलब हरियाणा में आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, नेशनल ड्रग डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट सेंटर गाजियाबाद में दे सकते हैं आपको, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाढ़सा झज्जर में, यहाँ पर भी आपको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर टेन है नो ट्रेवलिंग और अदर अलाउंस विल बी पेड, आपको कोई ट्रेवलिंग और अदर अलाउंस पेड भी नहीं दिया जाएगा इसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए जो आप आओगे उसके लिए। द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, बिल्कुल आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोविजनल रहेगा और ये प्रोविजनल किसके अधीन रहेगा, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंटीसीडेंट एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू प्रॉपर चैनल्स, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके जो वेरिफिकेशन होगा उनके सब्जेक्ट आपका प्रोविजनली है ये अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट इसमें ये देखिए, ये इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इफ़ ही और सी एक्सेप्ट द ऑफर ऑन दीज कंडीशन ही एंड सी शुड कम्युनिकेट हिज और हर एक्सेप्टेंस टू द अंडरसाइंड इमिडिएटली विद इन 7 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वाया रिक्रूटमेंट सेल एट द रेट एम्स डॉट एजू एंड रिपोर्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ फॉर ड्यूटी विद इन 30 डेज, बिल्कुल इसमें क्लियरली मैंशन कर रखा है यदि आपको ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट होता है तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट करो आप विद इन 7 डेज ऑफ, जो आपको ऑफर लेटर हुआ उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको आपकी जो एक्सेप्टेंस है उसको कम्युनिकेट करना है, कैसे ये मेल है उस पर रिक्रूटमेंट सेल एट द रेट एम्स डॉट एजू, इस पर आपको एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है और आपको ज्वाइन भी करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑफर लेटर, बिल्कुल आपको ज्वाइन भी करना है। नेक्स्ट आप दे रखा है नो एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज इज बींग गिवन अंडर द सरकमस्टांसेज, एम्स न्यू दिल्ली हैज अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू फिल अप द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन प्रायोरिटी बेसिस देयर फॉर नो एक्सटेंशन, बिल्कुल अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आपको 30 डेज से ज़्यादा आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ही और सी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग नंबर 13, ही और सी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन फोटोग्राफ एंड ए सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेबल ऑन ईच केस आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड, जो ऑप्शन बी से लेकर फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एज गिवन अगर द सेल्फ अटेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ इज ज्वाइनिंग, आपको क्या लेकर जाना है, एक फ़ोटोग्राफ्स लेके जाने हैं और ए सेट ऑफ फोटो कॉपी जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है उनकी एक फ़ोटो कॉपी का सेट लेके जाना है जो भी एप्लीकेबल हो, जो कि ऊपर दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स उनकी। इन केस एनी कैंडिडेट आर डूइंग हायर स्टडी एनी अदर स्टडिंग कोर्स ही और सी विल बी एंड प्रोड्यूसिंग आदर कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सैड ड्यूटी या कोर्स, अगर कोई कैंडिडेट है वो हायर स्टडी कर रहा है या फिर और कोई स्टडी कोर्स कर रहा है उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा प्रोड्यूस आइदर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, जो हायर स्टडी है उसका डिसकंटिन्यूएशन का सर्टिफिकेट या फिर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको वो भी अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग के टाइम में आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट दिस ऑफर इज अपॉइंटमेंट इज टोटली प्रोविजनल, बिल्कुल अपॉइंटमेंट ऑफर है ये टोटली प्रोविजनल है जो कि सब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू किसके अधीन रहेगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द नोटिस एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बिल्कुल ये आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है उसके वेरिफिकेशन के बाद
के अधीन रहेगा, जो कि ये फिलहाल प्रोविजनल है। नेक्स्ट, इसमें रोल नंबर और ये कैंडिडेट की डिटेल्स दे रखी हैं। सो फ्रेंड्स, ये दिल्ली का अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर है जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि आपको ये ऑफर लेटर एक्सेप्टेड है तो आपको विद इन 7 डेज आपकी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है, जो कि ईमेल दे रखा है वहाँ पर। आपको ईमेल पे रिप्लाई करना है विद इन 7 डेज, और विद इन 30 डेज के ड्यूरेशन में आपको ज्वाइन भी करना है फिजिकल जाके। आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो वहीं पर ही बनेगा, और जो भी आपके जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं उनके लेके जाना है, और एक साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दैट शुड बी मेंशन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स एंड आल्सो द डेट ऑफ फोटो। सो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स को जिनको ऑफर लेटर एक्सेप्ट को रिसीव हुआ है, उन सभी कैंडिडेट्स को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई नॉर्थसाइड के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।